अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। लग तो आप लोग सब ठीक ही रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए गया है, जो भी डेफिनेशन है, उसको मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर बिलफर्ज आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग इसको रिवाइंड करके देखें, बार बार देखें, और देखनी आप लोगों ने पूरी वीडियो ज़रूर है। अगर कोई कमी पेशी रह जाती है, आप लोग किसी बार की समझ नहीं आती, आप लोग कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में आप लोगों को फिर समझाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं अब लेक्चर की तरफ। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। आप इस एक्सरसाइज में तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। सेकेंड में क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जिस किस मैट्रिक्स के साथ आपस में इक्वल है। थर्ड में हम लोगों ने वेरिएबल्स की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर फाइंड करने हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, हमें गिवन कर रहा है, ए का मैट्रिक्स है 2, 3, -5 एंड 6। ये एक उसने मैट्रिक्स गिवन किया है, इसमें हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी, द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इनटू द एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m by n। अब इसमें देखिए m किसको शो करेगा, नंबर ऑफ रोज को, और n किसको शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब इसमें कितनी रोज है, 2 रोज है, और कॉलम क्या है इसमें, 2 ही कॉलम है, तो ऑर्डर इसका क्या बन गया, 2 by 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2। सेकेंड पार्ट है इसका, बी मैट्रिक्स हमें गिवन कर रहा है 2, 0, 3 एंड 5। इसका ऑर्डर बताना है, इसमें भी क्या है, 2 रोज है, और कॉलम भी कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2। थर्ड है सी मैट्रिक्स है 2, 4, 2 और 4। अब इस मैट्रिक्स में देखिए कितनी रोज है, इस मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो है, कॉलम कितने हैं इसमें, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, फार्मूला है m बाय n, रोज नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो ऑर्डर क्या बन गया इसका, 1 by 2। डी मैट्रिक्स फोर जीरो सिक्स है, इसका ऑर्डर बताना है। अब फार्मूला क्या है ऑर्डर का, m by n। अब इस मैट्रिक्स में देखिए कितनी रोज है, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं इसमें, सिर्फ 1 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3 by 1। ऑर्डर क्या बन गया इसका, 3 by 1। एक मैट्रिक्स ABCDEF। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितनी रोज है, 1, 2, 3। फार्मूला क्या है, m by n, रोज कितनी है इसमें, 3, और कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2। ऑर्डर क्या बन गया इसका, 3 by 2। F मैट्रिक्स है 2, इसमें कितनी रोज है, इसमें सिर्फ 1 ही रो, कॉलम कितने हैं, 1 ही है, तो ऑर्डर इसका क्या होगा, 1 by 1। ऑर्डर इसका क्या बन गया, 1 by 1। जी मैट्रिक्स है 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 0, 1, 2, 3,
टू फोर एंड फाइव। इसका आर्डर हम लोगों ने बताना है, फार्मूला क्या है, एम बाय एन। फार्मूला क्या है, एम बाय एन। अब इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, वन टू एंड थ्री। रोज कितनी है, थ्री। कॉलम कितने हैं, वन टू एंड थ्री। ऑर्डर क्या बन गया है इस मैट्रिक्स का, थ्री बाय थ्री। आगे एच है, टू थ्री फोर वन जीरो सिक्स, टू थ्री फोर वन जीरो सिक्स। फार्मूला क्या है ऑर्डर फाइंड करने का, एम बाय एन। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, टू रोज है, टू। कॉलम कितने हैं, वन टू एंड थ्री। ऑर्डर क्या बन गया इसका, टू बाय थ्री। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आ रही, कुछ मैट्रिक्स हमें गिवन होगी, उनमें से हम लोगों ने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास थ्री, बी मैट्रिक्स है थ्री और फाइव, सी मैट्रिक्स है फाइव माइनस टू, इसमें प्रोसेस हो रहा है सब्ट्रैक्शन का, डी है फाइव एंड थ्री, ई का मैट्रिक्स है फोर जीरो सिक्स टू, एफ है टू एंड सिक्स, जी है थ्री माइनस वन, थ्री प्लस थ्री, एच फोर जीरो सिक्स टू, आई थ्री थ्री प्लस टू। इसमें सेकेंड एंट्री में प्रोसेस हो रहा है एडिशन का, एंड जे का मैट्रिक्स हमें क्या गिवन कर रहा है, टू प्लस टू, टू प्लस फोर, टू माइनस टू एंड टू प्लस जीरो। अब ये उसने कुछ मैट्रिक्स हमें गिवन किए, इनमें से हम लोगों ने बताना है कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, थ्री है। अब यहाँ पे देखने में कोई नजर आ रहा है किसी में मैट्रिक्स में सिर्फ थ्री आ रहा हो, नहीं है। अब यहाँ पे देख के सी का जो मैट्रिक्स है इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, फाइव माइनस टू, फाइव में से अगर हम लोग टू से पैक कर दे क्या आ जाता है, थ्री। अब देखिए ए का मैट्रिक्स और सी का मैट्रिक्स, इसमें इंट्रीज क्या है, सेम है, थ्री है। ऑर्डर भी इसका क्या है, सेम है, वन बाय वन है। तो मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू सी, ए का मैट्रिक्स और सी का मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए। अब बी वाला मैट्रिक्स देखे, बी वाला मैट्रिक्स में फर्स्ट एंट्री थ्री है, सेकंड एंट्री फाइव है। ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट एंट्री थ्री हो, सेकंड एंट्री फाइव हो? डी में फर्स्ट एंट्री फाइव है, हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, फर्स्ट एंट्री थर्ड होनी चाहिए। अब इधर देखिए, अब ये आई वाला मैट्रिक्स आप लोग देखिए, इसमें फर्स्ट एंट्री क्या है, थ्री थ्री है। फर्स्ट एंट्री क्या है, थ्री थ्री है, सेकंड एंट्री फाइव है, लेकिन इधर प्रोसेस हो रहा है, थ्री प्लस टू है, थ्री में टू ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास, फाइव आ जाएगा, थ्री एंड फाइव। आप देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए, ऑर्डर भी सेम है वन बाय टू का, और एंट्रीज भी आपस में क्या है, सेम है। मतलब क्या हुआ, बी इक्वल टू आई, बी इक्वल टू आई। अब सी वाला हो गया, डी वाला देखिए, फर्स्ट एंट्री फाइव, सेकेंड एंट्री थर्ड, ऐसा कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे, कोई मैट्रिक्स नहीं है, मतलब बी किसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। ई वाला देखिए, फोर जीरो सिक्स टू, ई के नीचे बिल्कुल एच है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब ई इक्वल टू एच। इसके अलावा ये जे वाला मैट्रिक्स देखिए, टू प्लस टू फोर,
प्रोसेस कर लेते हैं। पहले 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 0 2 होगा। आप देखिए ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए, यानी कि ई एच और जे आपस में इक्वल हो गए। अब एफ वाला है जी में प्रोसेस हो रहा है, 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 क्या हो गया 6 हो गया। जी और एफ में देखिए फर्स्ट एंट्री 2 2, सेकंड एंट्री 6 6 आपस में इक्वल है, एफ इक्वल टू जी। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।